गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 4 एंड वी आर स्टिल एट हॉस्पिट एंड टुडे विल बी लिविंग फॉर बदामी। कल हमने हम्पी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। सो एज आई सेड अर्लियर, टुडे विल बी लिविंग टू बदामी and we have around 123 something kilometers to cover. So on the way हम लोग देखेंगे कि बदामी में देखने लायक क्या चीज़ है। I know there are some caves over there and some temples. So yeah, we'll see what we have to check out and obviously I'll show you guys. So अभी time हो चुका है around 8:30. I'll be going for breakfast now and after that we'll leave. तो ब्रेकफास्ट के बाद पैकिंग भी सब करके वी लेफ्ट बाय 9:15 AM फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर आप प्लान कर रहे हो हम्पी आने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हॉस्पिटल ही रुकना, क्योंकि यहाँ पे बहुत होटल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। हॉस्पिटल छोड़ने से पहले हमने यहाँ पे फ्यूल भरा ऑफ 1500 रुपीस और फ्यूल प्राइस था 101 रुपया। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा द ट्रैवलिंग पार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल टू बदामी। आज हम देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगा, रोड्स कैसे थे और यहाँ पे अलग अलग तरह के हम सीनरीज देखेंगे अलोंग द वे। हम रास्ते के लिए पूरी तरह से गूगल आंटी पे डिपेंडेंट थे और वो हमें ना जाने किधर किधर से ले जा रही थी। सून वी वर ऑन द हाईवे एंड ग्रीटेड विथ टोल बूथ्स। तो हमने पहले टोल नाके पे 45 रुपीज़ का टोल लगा और सेकेंड वाले पे 55 रुपीज़ का। Having the FASTag sticker on your car is definitely beneficial on these highways. Soon we took a detour from the main highway according to Google Auntie, but she guided us right. Or did she? क्या आप काउंट कर सकते हो कि इस रिक्शा पे कितने लोग बैठे हैं? रास्ता तो बहुत ही अनोखा था, कभी ओपन हाईवे तो कभी गांव के छोटे रास्तों में से, तो कभी इंटरनल रोड्स में से जिनके दोनों तरफ खेत या फिर बड़े पेड़ थे। तो अभी हम हैं 70 किलोमीटर फ्रॉम बदामी। द एवर चेंजिंग सीनरी एंड द टेरेन विजिबल फ्रॉम द फ्रंट विंड स्क्रीन ऑफ द कार मेड मी वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट अगेन एंड अगेन। हमें एक दो छोटे शहर भी मिले जहाँ पे हमने नारियल पानी पिया और कुछ फ्रूट्स लिए, और जैसे ही हमें लगता था कि हमें अभी बड़ा रास्ता मिल चुका है, कुछ ही दूर चलने के बाद फिर से छोटा रास्ता मिलता था। ओके, तो राइट नाउ वी आर अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम बदामी एंड वी जस्ट टेकन अ स्मॉल वाटर ब्रेक और बाद में आगे का अपडेट आपको दूंगा मैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली बदामी का भी वीडियो आई विल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स
as I've seen on Google that there are many things to check out over there. चलो इस पे भी काउंट करो कि कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हॉस्पिट में, हम्पी में और इवन बदामी में दे ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस एंड दे आर विलिंग टू टॉक टू यू एंड दे आर विलिंग टू शेयर द एक्सपीरियंसेस विद यू। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। आई नो ट्रैवलिंग वीडियोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी aren't दैट एक्साइटिंग, बट हे इट इज़ द वीडियोज which lay a foundation to the exciting stuff coming up in the next videos. और छोटे बड़े रास्तों में से, छोटे बड़े गांव में से निकलते हुए हम पहुंचे बदामी। Welcome to heritage town of बदामी। बदामी हम लगभग 12 बजे पहुंचे, तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम बदामी के फेमस केव्स देखेंगे, उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे। तो हमें अराउंड 3 घंटे लगे टू रीच बदामी फ्रॉम हॉस्पिट। इसमें स्नैक ब्रेक, फ्यूल ब्रेक भी इंक्लूडेड है। द रोड्स एज यू सॉ वर अ मिक्सचर ऑफ बोथ गुड एंड बैड, बिग and small, national highways or state highways, but overall they were quite manageable. Google Maps आपको यहाँ पे caves के पास आराम से लेके जाएगा और यहाँ पे car parking और bike parking के लिए काफ़ी जगह है। तो मिलते हैं next video में, जहाँ हम देखेंगे बदामी के famous 6th century की caves and according to Google it's 2600 years old. So subscribe and stay notified for the next video, because I'm sure you guys will have your mind blown. Thank you so much for watching. Take care and peace.